प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की हजूरी में। हालेलुया। तो आइए हम रोजाना की तरह प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और लास्ट में फिर से अपने लिए प्रार्थना होगी, फायर प्रे। आप जब उस सुनोगे उस फायर प्रे को रिसीव करोगे अपने जीवन में, मेरा विश्वास है कि आप सेम नहीं रहने वाले। हालेलुया। तो आई एम स्टार्टिंग में पहला प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पिता की पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे महिमामय हमारे जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तारीफ करते हैं पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुबह से लेके अभी तक संभाला है। इन फास्टिंग रोजों में प्रभु जी आप हमारी बड़ी मदद बड़ी सहायता कर रहे हो। इन फास्टिंग में प्रभु जी आप अपना महाअभिषेक उंडे रहे हो, जैसे कि तेरे वचन में लिखा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडे लूंगा। प्रभु वो पूरा हो रहा है तेरा वचन हमारे जीवन में। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस महाअभिषेक के लिए, जो महाअभिषेक बंधनों को तोड़ता है प्रभु जी, वो हमें आप महाअभिषेक से भर रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, पिता तेरे वचन के लिए प्रभु जी हम तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम इस वचन को पढ़े सुने और देखें और अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें तो हम सेम ना रहें। प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर, इसलिए खुदावंद अपने पवित्र आत्मा को खुदावंद बोल के वो हमारी अगुवाई करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। विश्वास करते खुदावंद की अगुवाई हमारे जीवन में आ चुकी है और हम जो वचन पढ़ेंगे सुनेंगे हम सेम नहीं रहेंगे। हम 60 नहीं 30 नहीं बल्कि हम 100 गुना, हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि हम 100 गुना फलों का पाएंगे। खुदा यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। तो प्रिय भाई बहनों आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम उसके 4:13 को पढ़ेंगे। तो लिखा है जब उन्होंने पत्रस और यूहन्ना का साथ देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों यहां वचन को पढ़ेंगे कि जब उन्हें पत्रस और यूहन्ना का साथ देखा, पत्रस और यूहन्ना का साथ देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचर्च किया। आप यहाँ वचन में देखते हो कि पत्रस और यूहन्ना क्या है, अनपढ़ है, साधारण से देखने में बहुत साधारण से लग रहे हैं और देखने से पता चल जाता कि ये अनपढ़ है, पर उसके अंदर जो सामर्थ्य जो उसका अभिषेक है उसके द्वारा वो जो फरीसी संदूकी थे वो घबरा रहे थे, जो प्रीच कर रहे थे वो मंदिर के सामने, तो कितने लोग उस प्रीच को सुन रहे थे, कितने लोगों का मन बदल रहा था, पर जो फरीसी संदूकी जो उसके विरोध करने वाले थे वो क्या देख रहे थे, वो सोच रहे थे ये तो है अनपढ़ एक साधारण से, पर इनके अंदर से जो तेज निकला ये कहां से आ रहा है। बहनों आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है तो अचर्ज किया मतलब अचंबा करने लगा, वो सोचने लगे ये कैसे हो सकता है, इतनी भीड़ कैसे इनके पीछे लग सकती है। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, फिर उन्होंने पहचाना ये तो यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए ये लग रहे हैं साधारण से, पर ये साधारण से नहीं है, ये लग रहे हैं अनपढ़ पर है अनपढ़ नहीं है, क्योंकि ये यीशु के साथ रहे। उन्होंने देख लिया कि जो कोई यीशु के साथ रहता है वो सेम नहीं रहता है। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहन जो कोई यीशु के साथ रहता है वो सेम नहीं रहता है, उसके हालात बदल जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, वो पुराना जीवन जिससे वो थक चुका हार चुका वो सब कुछ बदल जाता है, यहां तक कि उसका चाल चलन उठना बैठना खाना पीना सब कुछ बदल जाता है। आज आपको लग रहा है हम अनपढ़ हैं, हमें बाइबल कहां पढ़नी आती है, हम साधारण से गरीब परिवार में हम क्या सुसमाचार सुनाएंगे प्रभु का, हमारे कौन मानेगा। प्रिय भाई बहन ये लोग देखो पत्रस और यूहन्ना जो बड़े बड़े प्रभु यीशु के नाम से काम कर रहे, लंगड़ों को चला रहे, मुर्दों को जिंदा कर रहे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे यीशु के नाम से, ये भी साधारण थे, अनपढ़ थे, ये भी गरीब थे। आज प्रभु आपको भी बुला रहा है, गरीबों को अनपढ़ों को जो अपने आप बड़े साधारण से समझते हैं। मेरी बहने आपको लग रहा है कि मैं इतने छोटे परिवार से मैं कैसे सुसमाचार सुना सकती हूँ, सुना सकते हो क्योंकि आप यीशु के बेटे और बेटियां हो, अब यीशु के बुलाए गए हो, यीशु आपके संग है। आज अगर इस वचन को बड़ी गहराई से आप सुने, बड़ा पावरफुल ये वचन है आज सुन रहे हो, तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आपके सुनते सुनते मेरे आपके जीवन में काम कर रहा है, मेरा परमेश्वर उसका आत्मा सुनते सुनते ही आपको हील कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है मेरे खुदा का आत्मा, क्योंकि वो आपकी तड़फ को जानता है, वो आपकी प्यास को जानता है। प्रभु का जो कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, जीवन जल का सोता उसे मिलेगा पीने के लिए। हालेलुया।
जो कभी सोखता नहीं है जीवन जल का सोता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आई मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे साथ एक मन एक चित्त हो लीजिए इस प्रार्थना में, और आगे आगे इस वीडियो को शेयर करना, बड़ा फल आपको मिलेगा। अपने फैमिली मेंबर से शेयर करना, आप डरेंगे कि मेरी फैमिली मेंबर से मैं शेयर करूंगा तो वो मुझे डांटेगा, नहीं डांटेंगे वो, विश्वास करके देखिए। इस वीडियो को सेंड करना और विश्वास करके देखना, वो आपको नहीं डांटेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा वचन दे रहे हैं, हमारा मन बदल रहा है, ये कौन सा वचन दे रहे हैं, ये कौन सी बातें हैं, हमारे मन में बदलाव आ रहा है। आएगा बदलाव उनके भाई बहनों जीवन में, अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो रूहें बचाए जाएंगे, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सारा जो फल होगा वो आपको मिलेगा यीशु के नाम से। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर किए यीशु के नाम से, और बहुतायत का फल प्राप्त करिए मेरे यीशु के पास से। हालेलुया हालेलुया। आई मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं, और सर्वशक्तिमान मेरे दयावान दयालु कृपालु परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूं प्रभु, आपकी इस बड़ी प्रेजेंस के लिए, आपके बड़े मस्से के लिए, महाभिषेक के लिए प्रभु मैं आपका थैंक्स करती हूँ प्रभु जी, जो आप उपवासों में हमें दे रहे हो खुदा। और मैं परमेश्वर मैं सबके लिए दुखी बीमारों तकलीफों में भरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा। जितने लोग हमारे रेगुलर व्यूवर है प्रभु जी, रेगुलर वीडियो को सुनते और सुनने के लिए आ सकते खुदा, कल फिर वीडियो आएगी, कल फिर हम वचन सुनेंगे प्रभु का, अब सामर्थ्य लेंगे प्रभु जी, और खुदा ऐसे विश्वासियों को प्रभु और बढ़ाना और फलवंत करना मेरे पिता परमेश्वर। जितने नए आ रहे प्रभु जी, इन्हें भी ब्लेस करना, इनके दुख तकलीफों को दूर करना, जितनी गरीबी है प्रभु जी, इनके शराब टूट जाए, गरीबी के नशे की आत्मा इनके घरों से चली जाए प्रभु जी, लड़ाई क्लेश पैदा करने वाली आत्मा प्रभु जी इनके घरों को छोड़ के जाती रहे पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम में पिता बरकत इनके घरों में आए प्रभु जी, छुटकारा इनके घरों में आए प्रभु जी, आजादी इनके घरों में आए प्रभु परमेश्वर, और प्रेम मोहब्बत इनके घरों में आए पिता। शलोम 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 इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, शांति आए आपके घरों में, शांति आए, प्रेम मोहब्बत नम्रता धीरज बल्ली आए, ओ परमेश्वर तेरे फल इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। ओ थैंक यू जीसस, इनकी बीमारियां जाती रहे, इनकी पत्थरियां रसोलियां यूटर्स तो बंद पड़े हैं प्रभु, बेबी नहीं हो रहे पा रहे हैं प्रभु, यीशु राजा आज से इनके घर खुल जाए तेरी सामर्थ्य के द्वारा, आज से घर खुल जाए यीशु तेरी सामर्थ्य के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए, जो मेरा विश्वास जो मांग रहे प्रभु आप दे चुके हो, आप दे चुके हो प्रभु, उनके जीवन में कर चुके हो वो काम जिनके लिए इधर तरस रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में, सब भाई बहनों को मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आमेन आमीन। आप सब ब्लेसेस के नाम है, और शाम को डेली प्रार्थना सुनना, मॉर्निंग कल आएगी उसको भी सुनना, शाम को हो सकता कल ना आए क्योंकि इसको संडे चर्च है, इसलिए बिजी रहते हैं, नहीं आ पाती है, पर कोशिश रहेगी आपको शाम की मैं प्रार्थना सेंड करूँ। हालेलुया, सबको मेरी तरफ से जय।